नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शामली में पत्रकार अमित मोहन गुप्ता के इलाज में लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सीओ शामली से पत्रकार मिले। दरअसल आपको बता दें, करीब 20 दिन पूर्व शामली के राष्ट्रीय सहारा के पत्रकार अमित मोहन गुप्ता की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें शामली के एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, जहां पर इमरजेंसी फीस में मात्र 100 रुपए कम रहने के कारण डॉक्टर ने अमित मोहन गुप्ता को इलाज नहीं दिया, जिस कारण उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद पूरे मामले में मृतक अमित मोहन गुप्ता के भाई ने शामली पुलिस को तहरीर दी थी। इसके बाद मजिस्ट्रेट जांच के बाद आरोपी डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी आज तक डॉक्टर की गिरफ्तारी नहीं हो पाई और न ही जांच प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। इसी के संबंध में पत्रकारों का एक प्रतिनिधि मंडल शामली सीओ से मिला और उन्हें डॉक्टर की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। वक्त हो चला है आप सभी लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर।